इस वक्त की बड़ी खबर, 9 साल 2 महीने और 24 दिन बाद आज शंकराचार्य पर फैसला सुनाया जाएगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश, हमारे साथ स्टूडियो में है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और पुडुचेरी में जिला अदालत से हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय है। इंतजार है 9 साल पुराने इस केस में आखिर क्या फैसला आता है। केजी सुरेश साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, 9 साल पुराना केस आखिर क्यों इतना ये उलझा? देखिए, भारतीय अदालतों में मामलों का खासकर जो है ट्रायल स्टेज पे उलझना कोई नई बात तो है नहीं। और ऊपर से इस बात को भी हम ध्यान रखें कि एक हाई प्रोफाइल केस है, ये कोई बाबा या कोई प्रवचन करता नहीं है, शायद हिंदू धर्म के आस्था जिसमें रखने वाले बहुत बड़ा एक केंद्र कांची का रहा है, जिसका स्थापना स्वयं जो है हिंदू धर्म के पैगंबरों में गिने जाने वाले आदि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए लोगों का विश्वास का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और राजनीतिक भी इसमें काफी मुद्दे आए, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा 2004 में जब ये केस हुई थी तो जयललिता ने जो है जिस तरीके से दिवाली के दिन इनकी गिरफ्तारी की और जिस तरीके से एक रविवार के दिन चार्जशीट फाइल किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तक आपत्ति जताई थी, तो ये भी बताया गया था कि कोई प्रतिकार भावना के साथ वो किया जा रहा है। और भाजपा ने उस वक्त दिल्ली में प्रदर्शन किया था जयललिता के खिलाफ और उनका बर्खास्तगी को लेकर राष्ट्रपति से तक मिलने गए थे। तो ये एक कोई छोटा मोटा एक आपराधिक मामला नहीं है, ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस रहा है। और उसके ऊपर से इसमें जिस तरीके के आपने देखा कि पिछले 9 साल के अंदर 187 में से 83 लोगों का मुकरना अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रोसिक्यूशन के लिए, क्योंकि उसमें जो प्रमुख लोग हैं, उसमें जो इवन अप्रूवर बन गए थे, इवन वो अप्रूवर जो है वो हॉस्टाइल बन गए, तो ऐसे में जो है प्रोसिक्यूशन के सामने बड़ी समस्या रही है। उसके ऊपर से आरोप भी लगता जा रहा है, इस मामले को कई बार मद्रास उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं इसको लेकर, चाहे वो या प्रोसिक्यूशन की तरफ से हो या डिफेंडेंट्स की तरफ से हो, और इसके वजह से कई पेचीदगियां आई है, कई चीजों का सामना करना पड़ा है। और जैसे आपके रिपोर्ट में बताया गया कि एक बहुत ही प्रमुख अभियुक्त जो रहे हैं उनका अभी हाल ही में कत्ल भी हुआ है, तो बड़ा ही पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड मामला रहा है। और ये बहुत ही देखने पूरे देश की उत्सुकता है ये जानने के लिए कि ये जो आरोप लगे हैं, ये जो संगीन आरोप लगे हैं जो इन पीठाधीशरों पर जो लगा है, वो कितना सच था, कितना उसमें राजनीति थी, कितना आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती कातिल साबित होते हैं या नहीं। सुरेश जी, यहाँ पर समझना चाहेंगे, इस केस में कई बार उतार चढ़ाव आए, क्योंकि जाहिर सी बात है 9 साल लंबा केस था। खुद एक बार जयेंद्र सरस्वती ने अपनी भूमिका तक को स्वीकार कर लिया था जी, उसके बाद फिर क्या हुआ? ये बताया जा रहा है कि उनको दबाव में स्वीकार किया उन्होंने, इस तरह के बचाव पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है। और जिस तरीके से मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, काफी इसमें राजनीतिक मामला भी बीच में था कि जिस तरीके से प्रोएक्टिव होकर कहा जा रहा था कि इन्होंने कोई वक्तव्य दिया जिससे उस वक्त की जो मुख्यमंत्री तत्कालीन उस वक्त थी, आज भी है, सुश्री जयललिता ने जो है कुछ ऐसा प्रोएक्टिव, उन्होंने आपने देखा कि उनको उनके ऊपर हमेशा प्रतिकार भावना की आरोप लगते रहे, उन्होंने चाहे वो रातों रात जो है करुणानिधि साहब को उठा लिया था, उस तरीके से उन पर आरोप लगा, क्योंकि 2004 के जो लोकसभा आम चुनाव के पहले वो थोड़े सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गई थी, और ये आरोप लगाया गया कि अब वो उसको रिवर्स करना चाहती है, ये दिखाकर कि दिवाली के दिन ही किसी हिंदू संत को गिरफ्तार करके दिखाना चाहती है कि मैं कोई हिंदूवादी राजनीति नहीं कर रही हूं, इस तरह के भी आरोप लगे उन पर। और इसी वजह से जो है जिस तरह के आरोप लगे उनको जो है शायद फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, इसलिए पुदुचेरी में चेंगलपट कोर्ट से जो है उसको ट्रांसफर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लेकिन साथ ही जो है कुछ कुछ चीजें पुलिस का प्रोसिक्यूशन जो है उस वक्त जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि आईसीआईसीआई बैंक के खाते से जो है ये जितने हथियारे थे उनको जिनको ठेका दिया गया था, सुपारी दी गई थी, उनको जो है ये पैसा दिया गया, लेकिन पुलिस उसको बाद में कोर्ट के सामने साबित नहीं कर पाई। और पुलिस ने कोशिश भी की प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि उन सारे बैंक अकाउंट्स को सील किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और हाईकोर्ट ने वो जो सील है वो हटा दिया और पुलिस ने पूरी उनको इजाजत दी कि वो पूरा
अकाउंट ऑपरेटर साहब, 9 साल का उतार चढ़ाव इस केस ने देखा और आपको लगता है सबसे अहम टर्निंग पॉइंट आई विटनेस का मुकरना ही था, जो गवाह जो थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो अपने बयानों से पलटे? बिल्कुल, और उसमें भी खासकर जो रवि सुब्रमण्यम का जो मुकरने से पूरा केस ही बदल गया। उसके ऊपर से जिस तरीके से मैंने कहा कि जिस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स इस केस में हुए हैं, और उससे ये जाहिर हो रहा था कि केस काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और कोई ऐसी बात नहीं रह गई थी जिसके आधार पर उन पर कोई सज़ा सुनाई जा सकती है। तो मुझे लगता है कि और ऊपर से जो राजनीति का जो आरोप शुरुआत से लगता रहा है, उसका भी मुझे लगता है कि इसमें शंकराचार्य के समर्थकों के लिए ये एक बहुत बड़ा विजय के रूप में वो इसको देखेंगे। और लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, इसका जो है इसका चुनौती भी किया जा सकता है हाईकोर्ट में। अब ये देखने वाली बात है कि शंकर रमन का परिवार जो है वो इसको चुनौती देंगे या इस फैसले को वो स्वीकार करेंगे या नहीं। बिल्कुल सुरेश जी, मुख्य जो गवाह था उसका बयान से पलटना इस केस का टर्निंग पॉइंट था, और कहीं ना कहीं वहां से शंकराचार्य इस केस में बरी होंगे इसकी भी संभावनाएं बढ़ी जी, जी। और वही नहीं, देखिए इस बात को देखिए कि सिर्फ एक गवाह के आधार पर इतना गंभीर और संगीन एक केस टिक नहीं सकता है। पुलिस के पास कोई और क्लिंचिंग एविडेंस नहीं था। लगातार जो है प्रोसिक्यूशन को ये समझाया जा रहा था, डिफेंस जो आपका जो डिफेंस है वो भी ये बता रहे थे कि देखिए शंकर रमन 2001 से लेकर 2004 जब उनकी हत्या हुई, 2001 से उनका रिश्ते में खटास आ गया था शंकराचार्य से, और तब से लेकर वो इस तरह के आरोप लगा रहे थे वहां के गबन के मामले के बारे में, और जो भी आरोप जो है वो बना रहे थे, और नकीरन अखबार में लगातार वो चिट्ठी लिख रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो है एक सवाल ये उठाया गया कि क्यों शंकराचार्य जो है, जब ये खुलकर आमने सामने सबको पता चल गया है इनका आपस में विरोध है, आपस में दुश्मनी है, तो ऐसे में क्यों शंकराचार्य की तरफ से इस तरह का एक संगीन जुर्म किया जाएगा? क्या वो इतने बेवकूफ हैं क्या? इस तरह के सवाल जरूर पूछे गए थे जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बात उनके डिफेंस में उठाई गई। लेकिन जो बात मनीष झा ने कही कि इस पूरे केस में मुख्य गवाह के साथ साथ जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था उसके आधार पर भी कोर्ट ने यह फैसला दिया है, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को बरी किया है कोर्ट ने। सुरेश साहब, हर केस में सजा के लिए जरूरी नहीं है कि मोटिव सामने आए, लेकिन इस केस में मोटिव सामने आ नहीं पाया और किसी तरह से एस्टैब्लिश भी नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन जी। देखिए एक तो जैसे बताया गया है कि जो मेन जो अप्रूवर थे वो मुकर गए, वैसे तो लीगल मामले पे तो लॉयर्स बेहतर बता पाएंगे जी। लेकिन ये जरूर है कि वो कंक्लूसिवली ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, जो वहां से जो रिपोर्ट आ रही है कि इधर मोटिव को वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए ना वो साजिश को एस्टेब्लिश कर पाए। तो जब ये दोनों एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो जाहिर है कि एक्विटल होना ही था। और इसमें इस बात को देखिए कि इस मामले में पूरे देश में एक रुचि बनी हुई थी और इसमें काफी राजनीतिक कारण भी बताए जा रहे थे, और जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन लगातार इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई इवन पत्रकारों ने जिन्होंने शंकराचार्य के समर्थन में लिखा, आपको याद होगा एस गुरुमूर्ति जैसे पत्रकारों को भी जो है पूछताछ किया गया जी। और लगातार यही कोशिश रही, तो ये जरूर। और इसके बाद राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के बाद जब अन्ना द्रमुक के सरकार के जाने के बाद जब द्रमुक सरकार आई तो उन्होंने कहा कि अब हम कोई नया केस नहीं करेंगे, जैसे ऐसे कहा जा रहा हो कि अभी तक जो केस थे वो सब राजनीतिक साजिश के तहत किया गया था। तो ऐसे में काफी ये शंका के घेरे में था कि वाकई ये कोई केस था या जबरदस्ती केस बनाया जा रहा था, क्योंकि डीएमके का यह पहला वक्तव्य था सत्ता में आने के बाद उस वक्त कि हम अब कोई भी केस फॉइस्ट नहीं करेंगे इस शंकराचार्य मामले में। तो इस तरह के कई शंकाओं में घिरा हुआ था यह मामला। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ केस के कई पहलू भी बदले। सुरेश साहब, मुझे लगता है ये सहयोगी है कि जिस वक्त जयेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त भी मुख्यमंत्री जयललिता थी, और आज जब बरी किए गए हैं तब भी मुख्यमंत्री वही हैं। लेकिन इस दौरान जो राजनीतिक पहलू हैं केस से जुड़े हुए वो काफी जोर शोर से उठे जी। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे इसमें एक और बात है कि उस वक्त बीजेपी जो है वो जयललिता सरकार की बर्खास्तगी मांग रही थी, और आज जो है बीजेपी चाहती है कि जयललिता एनडीए में आ जाए, तो
बहुत फर्क आ गया है राजनीतिक परिवेश में, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उस वक्त जो है जयललिता 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो उनका जो शिकस्त हुआ उनका जो पार्टी का, तो उससे वो बहुत परेशान थे और वो अपने आप को जो है वो अलग दिखाना चाहते थे कि वो हिंदुवादी नेता नहीं है। हाँ। इसको तो वो भी कहीं ना कहीं था, लेकिन एक आरोप लगा और उस आरोप को लेकर परिवार के सदस्यों ने ये आरोप लगाया था और सरकार ने उसमें जाति की, प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने रात को उठा के ले गए, दिवाली के दिन उठा के ले गए, कोर्ट में जो है चार्जशीट रविवार के दिन ले गए, तो इस तरीके से जो है काफी जाति हुई होगी। लेकिन पुलिस का फर्ज बनता है कि जब कोई शिकायत इस तरह का हो तो उस पर जो है ये लगे। शंकराचार्य अब से थोड़ी देर बाद मीडिया को भी संबोधित करेंगे, वो भी हम सुनेंगे और साथ ही साथ अब देखना ये भी होगा कि शंकर रमन का परिवार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा कि नहीं हाईकोर्ट में। सुरेश साहब, मनीष साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।